बहुत ही मजबूत स्तंभ के रूप में सऊदी अरब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत के G20 का समर्थन किया। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली अपने ताल्लुकात जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड से बहुत अच्छे इस्तवार कर लिए हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात उन्होंने बना लिए हैं। एक तरफ वो मोहम्मद बिन जैद, मोहम्मद बिन सलमान, प्रेसिडेंट सीसी और प्रेसिडेंट अर्दोगान के साथ भी उनके कोई इतने बुरे ताल्लुकात नहीं है। अगर बांग्लादेश वहाँ जा सकता है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बांग्लादेश जा सकता है, हाँ। तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। सारे कॉन्टेक्ट, सारे ताल्लुकात इनके भारतीय रियासत के साथ, डोवल के साथ, मोदी के साथ, हिंदुत्व के साथ साबित हो चुके हैं। अगर इमरान खान होता ये G20 क्या, G20, G13, G14, ये सारे इजलास इधर ही होने थे, लेकिन पाकिस्तान तो G20 का मेंबर ही नहीं है। सो सऊदी जी समझते हैं कि इंडिया करीब होना चाहिए क्योंकि अमारातीस बड़े करीब हैं। सो वो पाकिस्तान फैक्टर जो माजी में हुआ करता था वो फैक्टर इज मिसिंग नाउ। आप ये देखें किसी के चेहरे पर आप मुस्कुराहट है, इन्होंने लोगों की मुस्कुराहटें छीन ली हैं। जय हिंद दोस्तों, दोस्तों आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त G20 समिट जो है दिल्ली में चल रही है और वहां पर काफी ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज के नेता आए हुए हैं। इसी के साथ तुर्की के प्रधानमंत्री भी वहां पर आए हुए हैं जो कि हमेशा पाकिस्तान का साथ देते थे, लेकिन दोस्तों इस बार उन्होंने भारत में आकर एक बहुत बड़ी बात कर दी है। उन्होंने भारत में आकर भारत का समर्थन करने की बात की और इसी के साथ एक कॉरिडोर जो बन रहा है उस पर भी अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी कि अब पूरा मिडिल ईस्ट और इसमें जो है कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे कि भारत जो है पूरी तरह से सक्षम हो पाएगा। दोस्तों इसी वजह से अब पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि इस प्रकार अगर तुर्की भारत का साथ देता रहा तो कल को कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत का साथ दे देगा और भारत के लिए वोटिंग करेगा, जो कि पाकिस्तान को बुरा लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान का एकमात्र सहारा तुर्की था जो उसके साथ खड़ा रहता था, लेकिन अब उसके भी हाव भाव बदल रहे हैं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो को लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी आपको पता है दुनिया में जो बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज है ना, 20 कंट्रीज G20 का उन्हें कहा जाता है, वो सब इंडिया गए हैं और वहां पे जाके वो मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे जाके वो बिजनेस की ट्रेड की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया? बस असल में इंडिया, पहली बात तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान हो नहीं सकता ये। दूसरी बात यह है कि हमारे हुक्मरानों की इज्जत नहीं है। ठीक है ना, अगर कोई पावर वाला हुक्मरान हो ना फिर तो लाजमी उन्होंने बुलाना था, लेकिन ऐसे ही पावर वाला कोई है नहीं है। पता है सब चोर डाकू बैठे हुए हैं तो क्या जरूरत है बुलाने की। सबसे बड़ी चीज है इंसान की इज्जत होनी चाहिए, जब इसकी इज्जत नहीं तो बुलाएगा कौन उसको? बिल्कुल, उनकी बात की वैल्यू होनी चाहिए, वर्थ होनी चाहिए। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई पाकिस्तान G20 का मेंबर ही नहीं है तो बुलाएंगे क्यों, लेकिन बांग्लादेश भी नहीं है, किसी को गेस्ट मेंबर के तौर पे बुलाया जा सकता है। और सिर्फ G20 नहीं, ओवरऑल हम अगर बात करें पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरीके से कोई US का प्रेसिडेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं आता, अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ क्यों नहीं आते? बस ये कमजोरी है ना, देखो बांग्लादेश जो है ना हमसे ज्यादा हुआ था ना, हमसे आगे चला गया, क्यों? बिल्कुल वजह इसकी यही है कि हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है, सब करप्ट टोला है। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर इमरान खान होता तो शायद बुलाते, वो जरूर बुलाते, बिल्कुल, लेकिन वो है नहीं अभी तो। क्या समझते हैं आगे कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आती है आपको कि आने वाले टाइम में हमारे पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है वो भी ये देखेंगे G20 तो नहीं हम कर सकते, ये तो बिल्कुल एक नामुमकिन बात है, लेकिन यहाँ पे किसी ना किसी कंट्री को बुलाएं, उनके साथ मीटिंग करें, उनके साथ हम जो उनसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करें, बायलैटरल गुफ्तगू करें? ये सिर्फ इमरान खान ही है, बस वो ही कर सकते, इमरान खान ही कर सकते हैं, और तो आप बोलो ना जरदारी करेगा, नवाज शरीफ करेगा, कोई और करेगा, कोई तीसरी चौथी जमात करेगी, कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ ये इमरान खान ही कर सकता है बस। चलें जी, ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल क्या नाम है आपका? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राणा मोहम्मद रफी। राणा साहब, इंडिया में इस टाइम मीटिंग हो रही है, दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग हो रही है, दुनिया के बड़े बड़े जो उनसे कंट्रीज है ना, अमेरिका कह ले, UK कह ले, फ्रांस कह ले, जितने भी तुर्की इवन कह ले, जितने भी बड़े कंट्रीज हैं जिनका नाम है वो सब जुड़ के बैठे हैं इंडिया में, क्या कर रहे होंगे आपके ख्याल से? ये इनको ये जो हमारे मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं ना, ये बना रहे हैं ये प्रोग्राम, ठीक है, दुआ इनका बेड़ा करके अभी ये हुकूमत को मौका मिला है, ठीक है, जितने भी ये चोर वजीर हैं इनको कटहरे में लाना चाहिए, जिन्होंने लूटा जितना मुल्क को लूटा है, ठीक हो, अब हम जलील हो रहे हैं, देखो कितनी महंगाई हो गई है, ये तो बात है, महंगाई महंगाई हो गई, जीना मुश्किल हो गया यार, बिल्कुल जीना मुश्किल हो गया। ये महंगाई की वजह जो उनसे इसे क्यों नहीं ढूंढ लेते हम लोग, अपने दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर? बिल्कुल बिल्कुल बेहतर करने चाहिए, बेहतर करने चाहिए, बिल्कुल बेहतर करने चाहिए। क्या कहेंगे जो इंडिया में मीटिंग हो रही है, मुलाकात हो रही है दिल्ली में, क्या कहेंगे उसके, क्या वजह क्या होगी, क्या मीटिंग हो रही होगी? जी आप क्या कह रहे हैं?
मैं बोला पाकिस्तान का हुक्मरान ही ऐसे तो कौन बुलाएगा इनको, इनको दूसरी बार को गरीबी नहीं देता उनको उधर को बुलाएगा, यार वो पागल है। ठीक है, वो मुल्क के सियासतदान है, ये कोई सियासतदान है? ये तो लूटने वाले चोर है ये। नहीं, सियासतदान तो यहाँ पे भी हैं, भाई जरदारी को सियासतदान मानते हैं कि वो खिलाड़ी है। उनके पॉलिटिशियन हमारे से बेहतर हैं, उनके सियासतदान यार वो कम अज कम अपने मुल्क के लिए तो ठीक है ना। बिल्कुल, ये तो किसी भी चीज का हमें पता ही नहीं है, सिर्फ रोटी का पता है और कोई चीज नहीं चल रही, तो मुकाबला पॉसिबल है उनका? दोस्त, मुकाबले की बात होती है ना तो मुकाबला जोश और हिम्मत पे लड़ा जाता है। अच्छा, वो हमें बहुत है। ठीक है, अगर हम कहते हैं ना अगर रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो उस बेस पे भी हम जोश से लड़ जाएंगे। कैसे लड़ोगे बॉस? देखिए, बात आपने जो मुझे की ना वो जोश की है कि अगर आपके पास जो है ना आपके आपने फॉर एग्जांपल बात ये की है कि हमारे पास सुपर पावर होने के नाते पे भी हम क्या उनका मुकाबला कर सकते हैं, तो मैंने तो आपको इस चीज़ का यही जवाब दिया कि बॉस हम मुकाबला कर जाएंगे, लेकिन सोच के तौर के ऊपर जो हमें मार रहे हैं हम उस सोच का मुकाबला नहीं कर पा रहे। आप मुझे बताएं, एक एक बात है कि एक आपके पास जज्बा इतना ज़्यादा कि आप उनको मुकाबला कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई में। हाँ। हम मुकाबला एजुकेशन में क्यों नहीं कर लेते? हाँ। हम मुकाबला टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं कर लेते? फैक्ट है ना, हम अपनी सोच को, हम थिंकिंग को लड़ाई झगड़े से, अब पहले ही पाकिस्तान को कहा जाता है कि टेररिस्ट स्टेट है यहाँ पर, इस वजह से कि हमारी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ों में भी हमें फंसाया गया। नहीं भाई, हमें टेक्नोलॉजी की तरफ जाना, हमें एजुकेशन में डेवलपमेंट करनी है, दुनिया हमारी मिसाल दे, ऐसा हो सकता है पॉसिबल? बस पॉसिबल होने के लिए कुछ भी हो सकता है। आपने मेरे सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि हम टेक्नोलॉजी के और सोच के तौर जो है ना एक जीती जाती साजिश का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, जब तक हम साथ बैठ के इन सब चीज़ों को पसे पुश नहीं डाल सकते हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जो काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ के नेता इस वक्त भारत में आए हुए हैं और उन्होंने भारत में कॉरिडोर के लिए समर्थन किया, यानी कि अब जो है मिडिल ईस्ट की तरफ से कॉरिडोर बनाया जाएगा और पूरी दुनिया को एकमात्र इस कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा जिससे कि भारत को ट्रेड करने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो ये देख के काफ़ी हैरान है कि अब मुस्लिम कंट्रीज़ भारत के साथ रिलेशन अच्छे कर रही हैं और भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान को इग्नोर कर रही हैं, वहाँ पर जा भी नहीं रही हैं, ये देख के पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा शौक हैं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड बाय।